तो इस क्वेश्चन को देखिए, हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, आपका लीनियर ऑपरेटर होता है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर दो फंक्शन का सम है तो वो अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएंगे, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे आपका डिफ्रेंसिएशन भी लीनियर ऑपरेटर हुआ करता था, ठीक है। तो e की पावर 3x dx और प्लस आपका 1 dx हो जाएगा। जो कांस्टेंट है वो चाहे डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, दोनों में ही बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे हम 4 बाहर कर लेंगे, e की पावर 3x dx और प्लस 1 dx। अब ये आपके, ठीक है, इंटीग्रेबल पार्ट है, इनका डायरेक्ट आपके पास फार्मूला है। इसका फार्मूला जैसा आप देख सकते हैं कि e की पावर ax प्लस b का जो फार्मूला डिस्प्ले किया जा रहा है उसको अप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका e की पावर 3x अपॉन 3, ठीक है, प्लस 1 किसका, 1 का x का डेरिवेटिव होता है या एंटी डेरिवेटिव 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस क्या हो गया c। c हम कहते हैं इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये हमेशा इंटीग्रेशन में लगाते हैं, ये आपका आंसर हो गया।